नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बेटी हमारी शान है अवार्ड प्रोग्राम कानपुर के गोपाल आश्रम दामोदर नगर निकट वैष्णो देवी मंदिर में काफी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें की अनेक बेटियों ने भाग लिया, जिन्होंने नाच गा कर खूब हलचल मचाई, जिसमें मुख्य सेलिब्रिटी अतिथि राजेश दुबे, सीने टीवी अभिनेता मुंबई, मुख्य विशिष्ट अतिथि राजेश शुक्ला, जिला कार्य समिति सदस्य कानपुर ग्रामीण भाजपा डॉक्टर सीमा वर्मा, अनिता सोनवानी, समाज सेविका हेलो शुक्ला, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष धनंजय त्रिपाठी, युवा नेता भाजपा, वहीं श्री उपवन चैरिटेबल फाउंडेशन की संस्थापक मोहिनी श्रीवास्तव ने अपने विचारों से लोगों का मन मोह लिया। उनके साथ बरखा शर्मा, प्रतीक्षा कटियार, कोमल जमाल आदि सदस्य मौजूद रही। मुख्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुभाषिनी चतुर्वेदी, समाज सेविका शांति, केंद्र संचालक नीतू सिंह चौहान, कावित्री दुर्गा पांडे, समाज सेविका इशिता सिंह, डांसर अभिनेत्री बरखा शर्मा, अच्छा कटियार, शिवांश तिवारी, अंशिका तिवारी इत्यादि लोग ने धूम मचाई। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। जी जी, कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, मैम इस संस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है? बाहर जाते हैं तो हम उनको एक ड्रीम देते हैं, एक पहचान देते हैं कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, एजुकेशन में है, एक्टिंग में है, डांसिंग में है, तो उनको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, जैसा कि उनको शादा जो भी उनका इंटरेस्ट होता है हम उनको जरूरी चीज़ों को। तो मैम आपकी संस्था को मदद कहाँ से मिलती है, आप स्वयं से या कोई? अभी तक तो हम अपने आप से ही सब कुछ कर रहे हैं, से कोई भी, और मैं अपनी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी अच्छा अच्छा मैम, किदवाई नगर। अच्छा अच्छा जी मैम, आज के प्रोग्राम में कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सबसे अच्छा लगा कि मैं अमित को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैम बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ। अपने समाज की उसने बेटियों बेटियाँ हमारी शान है, हमारी शान है, उसमें जो उसने प्रोग्राम रखा है तो उसकी सोच को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। और आजकल के ज़माने में देखिए कि स्त्रियाँ पुरुष से कोई भी कम नहीं है, और सब आगे बढ़ती जा रही हैं, उन्नति करती जा रही हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो सारे लोगों से मेरी मुझे ये कहना है कि वो अपनी सोच इसी तरह रखें, जो घर में लड़की हो उसका बहुत ही जो स्वागत है बहुत अच्छे से करें, और उस बच्चे पे इतना पढ़ाई लिखाई कि वो आगे चल के आत्मनिर्भर बने, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता के ऊपर आजकल कार्यक्रम चल रहा है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हमारे बच्चों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी न किसी क्षेत्र में अपनी शिक्षा जगत से जुड़ करके भी अगर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको केवल एक पढ़ाई के रूप में ना लेकर के कि घर में शादी हो गई और वो चले गए और घर के अंदर ही रहे, उस सोच को दूर करके वो घर के जो चार दीवारी है उसको तोड़ करके समाज की सेवा करें और आगे से आगे अपने परिवार वालों का नाम जाने। मेरा नाम राजेश शुक्ला है। जी जी जी। और मैं जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा हूँ। जी। और इस बार मैं 24 ब्लॉक से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आज यहाँ पर युवराज कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी LATA प्रेजेंटेशन की ओर से हमारे छोटे भाई अमित तिवारी ने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे कानपुर के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए गौरव की बात है कि राजेश दुबे जैसा अभिनेता यहाँ पर उपस्थित हुआ और हम सबका मनोबल बढ़ाया है, और बेटियाँ हमारे शान कार्यक्रम को बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण प्रदान किया है इन्होंने, तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो बेटी बचाओ और जो ये जिस तरह का प्रोग्राम, इस संबंध में आप क्या क्या करना क्या कहना चाहते हो? सूबे के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए इसकी क्या किया बेटियों के लिए? पार्टी के साथ साथ इस समय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ इतनी योजनाएं बेटियों के लिए कार्यान्वित की है कि अगर उस पर हमारा प्रशासन पूर्ण रूप से सहयोग करे तो हम लोग ये रह ही नहीं जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो शब्द है इसकी सार्थकता अभी है, परंतु अगर उससे पूर्ण रूप से अमल किया गया और हमारे समाज ने भी अमल किया, हम लोगों ने भी अमल किया,
तो योगी जी और मोदी जी का जो नारा है ये बाद में अभी सार्थक है, फिर सार्थक भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब बेटी पढ़ जाएंगी और सब बेटी बच जाएंगी।